सुन सकते हैं इधर का एग्जॉस्ट साउंड, और ये है हमारा एग्जॉस्ट। दोस्तों स्वागत है सभी को द राइडर किंग की और एक ब्लॉग में। तो जैसे आप जानते हैं मैं आपके लिए कहीं 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 गाड़ियां लेके आता हूं, और हम फिर से आ गए हैं गुप्ता ऑटो जंक्शन पे, जिधर हम आपको ले आए हैं एक स्पोर्ट्स कार के सामने। सर मेरे सामने है आप सर आकांक्ष। आकांक्ष सर आप कैसे हैं आप पहले बताइए। ठीक है सर। सर आपको पढ़ाई कर दीजिए हमारे पी एस को। सो सर जो गाड़ी होने वाला है वो क्या मतलब मॉडल क्या है इसका? सर ये मर्सिडीज SLK 200 है, कॉम्प्रेसर मॉडल। दिस इज अ स्पोर्ट्स हार्ड टॉप कन्वर्टेबल कार। स्पोर्ट्स कार है ये, मतलब आप देख सकते हैं मिराज थोड़ा सा सामने आए तो इसका देख सकते कि ये मतलब काफी अट्रैक्शन वाला लुक है, और मतलब स्पोर्ट्स कार कुछ ऐसा ही दिखता है जो इतना कम आपको दिखा सकता है। और इसका DRL हेडलैम्प वगैरह देख सकते हैं, मतलब काफ़ी सही गाड़ी होने वाला है। और अगर बोनेट के बात करें तो भैया ये काफ़ी बड़ा बोनेट है। तो अब हम चलते हैं इसका पीछे, जो हम पीछे से आपको दिखाने वाला है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी का पीछे आ चुका हूँ, और ये है मर्सिडीज का SLK 200, काफ़ी सही गाड़ी होने वाला है। मिस्टर मिराज अगर थोड़ा सा सामने आए तो आप देख सकते हैं पीछे से कैसा लगता है ये, मतलब स्पोर्ट्स कार का जो फीलिंग होता है भैया ये गाड़ी में होता है ऐसा ही कुछ। तो अब हम जाएंगे इसका आगे और देखेंगे इसका डिटेल्स। चलिए हम आपको ले जाते हैं आप गाड़ी के अंदर। तो आप देख सकते हैं जैसे हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और ये गाड़ी कुछ ऐसा मतलब आप जब गाड़ी को लेकर बाहर जाएंगे तो काफी सही गाड़ी होने वाला है। क्या कहते हैं आप? यस सर, ये स्पोर्ट्स कार। इसमें भी आप देख सकते हो ये भी स्लिपर क्लच अवेलेबल ऑटोमेटिक है। मिस्टर मिराज अगर थोड़ा सा सामने आए तो हम दिखा सकते हैं आपको कि ये एक्चुअल क्या कंडीशन है इस गाड़ी का। सर आप इधर से शुरू कीजिए। ये कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है। ये कंपनी से ही फिटेड होता है, मतलब कोई आफ्टर मार्केट नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ये आप डैशबोर्ड में फीचर दिया हुआ ग्लासेस आप रख सकते हो। ओके फाइन। फिर आप देख लो ये एसी कंट्रोल एंड ऑल है एवरीथिंग, मतलब काफी सही होने वाला है ये जो मर्सिडीज का फीचर्स मतलब वो मेंटेन करता है कुछ ऐसा ही। तो आप ये है इसकी गियर शिफ्टिंग। ओके पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल एंड ये ड्राइव मोड पे आप डालते हो। ओके फिर आप जहाँ जब स्टीयरिंग व्हील पे देखते हो या स्लिपर क्लच देख रहे हो, ये स्पोर्ट्स मोड जब ऑन करते हैं तो गाड़ी इसमें गियर में चलती है। जैसे आपने पॉर्च में देखा था इससे बढ़ाया जाएगा इससे घटाया जाएगा गियर, मतलब बहुत सही होने वाला है। और अगर हम दिखाएं ग्लो बॉक्स को तो भैया इधर भी आपको मिल जाता है लाइट के साथ ग्लो बॉक्स। जो स्पोर्ट्स कार है भैया आपको सब कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन स्पोर्ट्स कार का जो फील है बैठने के बाद आपको मिल जाता है स्पोर्ट्स कार का फील। और आप मीटर कंसोल की बात करें तो भैया आप देख सकते हैं कि ये काफी सुंदर सा मीटर कंसोल है। देख सकते हैं ये गाड़ी 3837 किलोमीटर रन है, बीइंग अ 2011 कार, एंड आई थिंक सो अपने इंडिया में दिस इज अ सिंगल पीस ये स्पेसिफिक मॉडल में जो आपको ऐसे मेंटेन एंड ये किलोमीटर में मिलेगा। मतलब इतना कम चला हुआ गाड़ी तो मिलेगा तो बस गुप्ता पे, मतलब गुप्ता ऑटो जंक्शन पे ही आपको सिर्फ मिल सकता है इतना कम, मतलब जो मेंटेन करता है ये भैया बहुत सही होने वाला है आपके लिए। और इधर आपको इससे आप साइड मिरर एडजस्ट कर सकते हो ना। ओके ये अपना हैंड ब्रेक हो जाता है, वेरी स्मूथ वेरी क्लासी,
फिर ये है सनरूफ कन्वर्टेबल, ये अपना कन्वर्टेबल के लिए। आप हम जो मतलब स्पोर्ट्स कार का सबसे बड़ा फीचर्स होता है कि भैया ये होने वाला है आपका पूरा कन्वर्टेबल कार, और इसका अगर बात करें तो भैया आप देख सकते हैं पीछे का लुक कुछ ऐसा ही दिखता है पीछे से, और इसका शायद हार्ड टॉप होने वाला है। तो अब हम करेंगे कन्वर्टेबल, मतलब जो कन्वर्ट होता है उसको हम ऑन कर सकते हैं। तो अब हम जो करने वाला है वो है इसका जो असलियत बात होता है, मतलब इस गाड़ी का फायदा। ठीक है, तो कन्वर्टेबल होता है सर, आप कन्वर्ट करके दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को ताकि तो, उनको पता चले। ओके सर, इसका एग्जॉस्ट बस आप सुन सकते हैं क्या, मतलब क्या जबरदस्त एग्जॉस्ट है इसका। अब हम करते हैं इसका जो असलियत बात है भाई, वही हम करेंगे सर, अब कन्वर्ट कर दीजिए। ओए होए, अब देख ही सकते हैं क्या, मतलब क्या बात है। देखिए बस ये हार्ड टॉप गाड़ी है तो आपको ओए होए होए, मतलब एक लग्जरी का फीलिंग तो इसमें ही आता है भैया। अब देख ही लीजिए पूरा हो गया, तो अब हम करेंगे इसका जो आपके मतलब जिसके लिए आप बैठा हुआ है वही करेंगे हम। तो चलते हैं अब इसका बाहर और इसका वही बात हम कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी मतलब काफी सुंदर है, आप इसको फिर से हम क्लोज कर देंगे जो मतलब कन्वर्टेबल है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा हार्ड टॉप कन्वर्ट होता है ये कार, और अभी हम इसको उतारेंगे सर, आप उतर के दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। अलग ही बात है इस गाड़ी में, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये, और कुछ मज़ा जो फीलिंग होता है भैया ये है एक्चुअल फीलिंग। ओए होए होए, गाड़ी को देख लीजिए बस एक बार, मतलब काफ़ी सही गाड़ी है ये, आपके लिए तो बहुत सही होने वाला है। और ये जो है मतलब इसका आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम मतलब ये जो है फ्रेम लेस होता है ये। और अगर हम एग्जॉस्ट की बात करें तो भैया आप सुन सकते हैं क्या एग्जॉस्ट होता है ये, आप सुन सकते हैं इधर का एग्जॉस्ट साउंड, और ये है हमारा एग्जॉस्ट। सर हम पूरा गाड़ी देख चुके हैं, अब हमको बताइए कि ये क्या मॉडल होने वाला है। ये मर्सिडीज SLK 200 कंप्रेसर मॉडल है, 2013 एंड किलोमीटर आप लोग जानते हैं 3837 चली रही है। ओके, एंड दिस न्यू प्राइस कॉस्टिंग वाज अराउंड 65 to 70 lakhs। ठीक, तो अगर हम बताएं फिर से एक बार, तो ये मॉडल 2011 की है, मर्सिडीज SLK 200 कंप्रेसर मॉडल। ओके, तो इसका अगर मैं बिंग कर लूँ, ओके कर सकते हो, मैं बिंग कर लूँ, ठीक है 30 lakhs। नहीं सर, 30 lakhs भी नहीं है। 30 lakhs नहीं है? नहीं। तो फिर कम या ज़्यादा? कमी है सर, कम। तो फिर ये होने वाला है, ठीक है भैया बिंगो कार्ड लेते 28.5 lakh। नहीं सर, उतनी भी नहीं है। कम ना ज़्यादा? कम होगी, इससे भी कम, मतलब इससे भी कम हो सकता है, आप ही बता दीजिए फिर। ये 2450 की पड़ेगी, 24 lakh 50 thousand। अरे भाई क्या कहते हैं, इस 2450 में गाड़ी और इतना कम चला हुआ गाड़ी अब तो काफ़ी नहीं मिलेगी, सिर्फ गुप्ता पे ही मिलेंगे। तो आइए फिर डर मिल लीजिए इनसे और ले जाइए गाड़ी। और अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सर भी हमारे साथ है, तो आइए इधर मिलिए इनसे। थैंक यू।